इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जमाना आजकल का बदल चुका है, लोग आपकी अच्छाइयों की नहीं बुराइयों से आपसी पहचान करते हैं। आप दुनिया में कितना ही भली अच्छा काम कर लीजिए, कितने सारे लोगों की मदद कर दीजिए, मगर वो आपकी प्रशंसा शायद ही करें। अगर आपने एक गलती कर दी तो वो आपकी बुराई करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे लोग ही जिंदगी में असफल होते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि हम मेहनत तो बहुत सारी करते हैं फिर भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये कहानी जरूर सुनिएगा अगर आपको सफल बनना है और आपको बनना है कि आपको कैसा नहीं बनना चाहिए। दोस्तों एक बार की एक बात है कि एक स्कूल में एक क्लास चल रही थी और बच्चों का पढ़ने का मन नहीं था, तो उनके अध्यापक ने सोचा कि चलो आज उनको कुछ नया पढ़ाया जाए। तो उन्होंने बोला कि आज मैं तुमको एक सीख देना चाहता हूँ और ये तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे काम आएगी अगर तुम इसको अच्छे से सीख लोगे। तो अध्यापक ने एक सात का टेबल एक बोर्ड पर लिखा, पूरा टेबल सही था बस उसकी पहली लाइन उन्होंने गलत लिख दी। तो सब बच्चों ने उनकी पहली लाइन को देखकर हंसने लगे, कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने कहा कि पहले खुद तो पढ़ ले फिर आप पढ़ाएं दूसरे को। तो ये सारी चीज़ होने के बाद अध्यापक ने हंसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने मेरी पहली लाइन तो देख ली पर तुमने मेरी बाकी की 9 लाइन नहीं देखी जो बिल्कुल सही थी और तुमने बहुत जल्दी में निर्णय लेके मुझे गलत साबित कर दिया। मैं तुम्हें यही सीख देना चाहता हूँ जबकि मुझे पता है मैंने पहली लाइन जानबूझ के लिखी है। मैं तुम्हें एक चीज़ से यही सीख देना चाहता हूँ कि तुम जब जिंदगी में बड़े बड़े काम करोगे और काफ़ी अच्छे काम करोगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे बल्कि अगर तुमने एक गलती कर दी तो लोग उसका मजाक जरूर बनाएंगे। इस चीज़ को उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर भी समझाया कि तीन दोस्त आपस में बात कर रहे थे, उसमें से एक दोस्त ने बताया कि यार हमारे साथ में पढ़ने वाला स्कूल का एक छात्र आज बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है और अच्छी तनख्वाह पा रहा है। तो उसमें से बाकी के दो ने अपनी अपनी राय दी। पहले ने बोला यार उसको इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल ही नहीं सकती है, उसने कैसे पा लिया। दूसरे ने बोला यार मैंने तो उसको कल बस में चढ़ते हुए देखा, अगर उसको इतनी बड़ी जॉब मिली है तो वो कार में जाता। वहीं अगर हम दूसरे पहलू में बात करें तो कुछ दिनों बाद फिर वो तीन दोस्त मिलते हैं और आपस में बात करते हैं। एक दोस्त बोलता है यार तुम्हें पता है वो जो अपने स्कूल का साथी था जिसके बारे में बात की थी उसकी जॉब चली गई। तो दूसरा आदमी बोलता है मुझे तो पता था उसकी जॉब जानी है, वो नौकरी करने के लायक नहीं था। तीसरे ने जवाब दिया उसे तो वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसको पता नहीं नौकरी मिली भी तो मिली कैसे। तो दोस्तों इस चीज़ से आपने एक बात तो सीखी होगी कि लोगों की अच्छाई सुन के हम उस पर शक करने लगते हैं कि वो शायद ही ऐसा कुछ हुआ हो, पर अगर हम किसी की बुराई सुनते हैं तो हम झट से यकीन करने लगते हैं और यही बात शायद आपको सफल होने से भी रुकती है। दोस्तों एक इंसान का बहुत ही छोटापन होता है, अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको अपने दिल से छोटापन निकालना पड़ेगा। आपको लोगों पर हंस के उनका आत्मविश्वास तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। अगर उनसे कोई गलती भी हो गई है तो उस गलती के पीछे छुपे कारण को पहचानना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि क्या गलत हुआ है, ना कि उन पर हंसकर उनका मजाक उड़ाना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपने ये बात जानी होगी कि अब आइंदा आप किसी भी आदमी की गलती पर उनके हंसेंगे नहीं बल्कि उसके अच्छे कामों पर प्रशंसा जरूर करेंगे ताकि आप अपने जीवन में बहुत सफल हो सकें। एशिया टेलीकॉम और स्मार्ट डेवलपर आपके सपनों को सपोर्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो एशिया टेलीकॉम। मेरा नाम नाजिक है, मैं छिंदवाड़ा से हूँ, MPC हूँ। यहाँ पे जिस लोग कहना चाहिए तो दूसरे स्टूडेंट में जाते हैं, वहाँ पे कुछ सीख नहीं पाते हैं और कहना चाहिए तो 2-3 महीने वैसे ही नाश कर देते हैं। यदि जिसको कोर्स करना है वो यहाँ आ भी सकता है और जिसको जिसका पैसे का प्रॉब्लम रहता है बजट का वो ये बुक ले सकता है। ये बुक सस्ती भी है, उसमें आप बहुत सारा ज्ञान दिया है हृदय के मामले पे, कहना चाहिए तो 70% ज्ञान है इसमें हार्डवेयर के मामले पे। हार्डवेयर के मामले में 70% ज्ञान है और यहाँ पे हर चीज चित्र के साथ दिए, फोटो के साथ दिए, इसमें कॉइल रजिस्टर सब दिया है इसमें दिया है। तो दोस्तों यदि आपको ये खरीदना है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी और जिसको दोस्तों यहाँ आना है वो यहाँ आ सकता है। थैंक यू दोस्तों। Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.